dai, salve. Allora, ci va dal finire, ora. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हफ्ते का दिन है और आज हमने एक प्लान किया है कि आज हम करेंगे वकास की बर्थडे, जो उसको बिल्कुल पता नहीं है। सीन कुछ यूँ है कि उसकी होती है 26 को, लेकिन हमने सरप्राइज़ पार्टी देने जिस वजह से उसको पता लग जाता है कि 26 को है, तो बस वो तो ऐसे भी करेंगे। तो हमने प्लान किया, हमने उसका हम तुम्हें पहले देंगे या बाद में देंगे। तो उसने मुझे कहा था कि मुझे ज़रा बता देना छुप के इन सब दोस्तों से कि कब दे रहे तुम्हें उसको। मैंने कहा हम 22 को दे रहे हैं, आज है 21, तो आज ही हम उसको देंगे। उसको मैंने 22 का है, वो कहते हैं मैं ज़रा तैयार वगैरह होकर आ जाऊँगा ना, तो आज है 21, तो आज ही हमने प्लान किया, तो इंशाल्लाह आज ही देंगे। तो बस अब दोस्तों के साथ देखते हैं दोस्त क्या कहते हैं। प्लान हमने किया हुआ है कल से कि इंशाल्लाह आज ही है, तो बस फिर निकलते हो। दोस्तों कहते हो कि आज क्या क्या करना है, तो बस अभी हम लोग निकलने का प्लान कर चुके हैं। तो अब जब निकलते हैं बस केक वगैरह ऑर्डर करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ऑर्डर हमने कर दिया और अभी जाते हैं अभी हम लोग अपने घर। अभी हम लोग बस कुछ खाने पीने का करके बहुत तो इंशाल्लाह बर्थडे के लिए रेडी करते हैं। Four hours later. दिन कुछ यूँ था कि मैं जाके सो गया, मैं सो के भी उठाऊँ तो अभी मुझे हिम्मत नहीं करे कि निकलो के जाके और सौदा वगैरह भी पकड़े। और आकाश को 1% ही पता नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। हमने बहुत सारी बातें सुनाई है लेकिन उसको पता नहीं है कि क्या अभी होने वाले हैं। जाते हैं अभी हम लोग बस दोस्त वहाँ पर खड़े हैं तो निकलते हैं और सौदा भी पकड़ते हैं, केक भी लेके आते हैं, केक भी रेडी है, अब जाते हैं लेने के लिए सौदा। चलो भाई देखो मैं अब क्या करता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये हो गया, एक ये है, तो प्रोग्राम बढ़ गया। ये लगी थी यार, लो बजाओ लगी थी यार। निकल देखिए, ये अहमद ने वकास के लिए ये वाले गिफ्ट भी दिए, कहते हैं कि ये उसको पहनाएंगे। जैसे हमने वो थोड़ा सा वो लगाए खाली, इन्होंने इतना टाइम लगाया हमारा कि कम से कम एक गोश्त की कढ़ाई बन सकती थी, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती से हम गोश्त की कढ़ाई ला के पका लेते। बात तो सही है। तो सभी हम लोग और सौदा लेने जाते हैं खाने पीने का, तो कुछ लेके आए ना, और देखते हैं वकास को भी थोड़ी देर तक पकड़ते हैं। सौदा वगैरह लेके मैं भी घर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं मेरा वो पता नहीं ट्रिपॉड मेरा वो किधर गया है, वो स्टैंड खाए पे तो सोफे के ऊपर यहाँ पर सेट कर लूँगा मोबाइल, और लड़कों के यहाँ पर बिठाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ वकास को लेके। तो उसको मैंने कहा कि मैं थका हुआ हूँ, बस तुम्हारे पीछे मैं आ रहा हूँ 5 मिनट तक, तो बस उसके पीछे अभी जाता हूँ और बस और कुछ भी नहीं करना। तो मैं अभी यहाँ पर फोमो का सारा बंडल यहाँ पर रख दिया, मोबाइल की जगह मुझे मिल गई यहाँ पर सेट करने की, तो बाहर मैं अभी सेट करता हूँ और बस निकलता हूँ वकास को लेके आता हूँ, क्योंकि उसको मैंने कहा 2 मिनट तक आता हूँ, वो अभी आया निकला होगा बाहर और मैं जाता हूँ बस उसको लेके आता हूँ। मिल गया। तो
के बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। Few inches later. पिक्चर बात हो रही है बस। सारी जगह हमने ओके कर दिया फुल, जो प्रोग्राम वो था ना, तो बस वो हमने सब कुछ कर दिया और बस खाना भी रेडी हो। वकास भी आप बीच में क्या कहना चाहेंगे इतना बताएं। मुझे शर्म आ रही है। तो खाना पीना करके हम बिल्कुल फारिग हो गए। मेरा अपना मोबाइल मेरे पास नहीं है क्योंकि उसमें बिल्कुल 1% चार्ज भी नहीं था। तो बस अब ये सब दोस्त सुकून से बैठे हैं। शान भाई भी आए हैं, असल में ये जलसे पे गए थे, मुस्लिम लीग नून का जलसा था इस वजह से वो उधर गए हुए थे, तो बस फारिग नहीं थे। तो बस अभी फारिग होके आए हैं और अभी सब गप शप लगाते हैं फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो ये सूरत हाल थी आज की, बस फारिग हो गए। मेहमान सब चले गए, वकास भाई चले गए, उनको मैं कैमरा में ला रहा था, मैंने कहा कि आप कुछ कहना चाहेंगे, तो बस ना कि कैमरा ना ही ऑन करो तो मैं कुछ कहूँगा, बस मैं तो ला जाओ। तो गरीब को पता ही नहीं, उसको मैंने 22 तारीख का कहा था, लेकिन हमने आज 21 को ही बस प्लान ओके कर लिए। और आज एक और मेरे कज़न की बर्थडे भी थी, लेकिन उसने वो भी आज फैमिली के साथ था, तो उन्होंने कहा कल कोई प्रोग्राम बनाते, हो सकता है कल भी उनका भी कोई प्रोग्राम बनाए। तो उस ब्लॉग को यहीं सेंड करते हैं, आप ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और सच बात तो बताऊँ मैं आपको कि वकास को बिल्कुल भनक भी नहीं थी, अगर किसी का ख्याल हो कि स्क्रिप्टेड है तो एक तक भनक भी उसको नहीं पड़ी कि इस तरह का कोई सीन होगा। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।